बहुत पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, आज हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो रही है कहीं से, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं से आ रही है इस डायरेक्शन में। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड्स के रास्ते में कोई एक सरफेस ला के इस तरीके से प्लेस कर दें, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, इनके पास जो है आपने इस तरीके से इनके अंदर लाकर जो है ये इसके अंदर ही ले आइए एक सरफेस जिसका नाम रख लीजिए ए बी सी और डी, इस सरफेस को प्लेस कर दिया। अब ये एक सरफेस तो है लेकिन किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस सरफेस से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पास कर रही हैं। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूँ देख सकते हैं कि जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है। हो सकता है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी जगह से पेयर हो रही हों और उनके दरमियान आपने क्या किया, जाके एक सरफेस प्लेस कर दी। हो सकता है ये भी आपके पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आपने बिल्कुल पैरेलल रखती हैं या आपने परपेंडिकुलर रखी हैं। बहरहाल आपने जो भी कंडीशन में रखी हैं, होता क्या है कि आपके पास सरफेस के अंदर से जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है। जैसे ही जब भी किसी भी सर्फेस के अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो, तो हम कहते हैं कि इस सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसके ऊपर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। जैसे कि किसी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होने पे हम लोगों ने देखा था कि हमने कहा था कि ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि सरफेस तो वही है लेकिन अब कहाँ रख दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर रख दी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से उसके ऊपर क्या आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब ये जो सर्फेस है जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी जो सरफेस है इसको हम लोगों ने बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया और उसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से पास कर रही हैं। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसकी जो सरफेस है उसे आप लेट कर लीजिए कि ये ए है और ये जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड को हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि ये शो करती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो है रीजन है जिसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पास कर रही हैं। ये तो हमारे पास दो बिल्कुल जो है जेन्युइन केसेस है ना कि यहाँ तो जो है हमारे पास सरफेस पैरेलल हो सकती है या वो परपेंडिकुलर हो सकती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड के साथ। तो ये तो केस जो है वो हमारे थोड़े जो है जेन्युइन केस है, इन्हें हम लोग हमेशा यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अब हम अपने काम को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, उसे इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारी सरफेस जो है वो बिल्कुल ना तो स्ट्रेट है और ना ही बिल्कुल पैरेलल है, बल्कि एट सम एंगल इस तरीके से हम लोगों ने टिल्टेड सरफेस को जो है वो इस्तेमाल कर लिया। ये हमारे पास जो सरफेस बिल्कुल यहाँ पे इसकी जो ये वाली साइड है बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से, ये हमारी एक सरफेस है और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही हैं और यहाँ से आती हुई इसके अंदर से पास भी कर रही हैं। ये तो मैंने इस तरीके से दिखाई है लेकिन ये बेसिकली यहाँ से इसके अंदर से यूँ पास करती हुई आगे की तरफ जा रही हैं। हम सिर्फ एक ही लाइन से शो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी चीज़ें भी रिप्रेजेंट करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जब भी कोई सरफेस होती है तो उस सरफेस की जो है कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर भी होता है। इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर ए है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में है और इसका जो यूनिट वेक्टर है मतलब कि उसका नॉर्मल वेक्टर उस सरफेस का जो कि एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, चूँकि अब ये पैरेलल है ना तो वो बिल्कुल अपवर्ड होती है। जहाँ पर भी जो सरफेस है बिल्कुल उसके मिड से सामने की तरफ जो है उसका नॉर्मल वेक्टर होता है। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में कुछ काम ऐसा है कि हमारी जो सरफेस है ये थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, थोड़ी सी टिल्ट की हुई है तो यहाँ पर जो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है कि ये इसका जो है नॉर्मल वेक्टर आ रहा है और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे कुछ ना कुछ इस नॉर्मल वेक्टर के साथ बेसिकली हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एंगल तो बन ही रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम को इस तरीके से देखेंगे कि बाज़ अवकात काफ़ी जगह पे हम लोग देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल वेक्टर होता है ना उस डायरेक्शन में आप अपने बी के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये सबसे ईजी मेथड है। यहाँ पे आपकी जो है बी के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। ये वाला वो कंपोनेंट है बी का जो कि आपके पास परपेंडिकुलर पैरेलल का कंपोनेंट आ जाता है और ये वो वाला आ जाता है जो कि परपेंडिकुलर है। लेकिन इसे हम लोग लिखते किस तरीके से, लिखने में और देखने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये बी है और ये हमारे नॉर्मल वेक्टर के अलोंग जो है बी का एक कंपोनेंट चले जाता है। अगर मैं इस ये मेरे पास जो नॉर्मल वेक्टर है इसकी जगह मेरे पास अगर बी होता तो सिंपली मैंने क्या करना था, यहाँ से मेरे पास एक परपेंडिकुलर आना था इस तरीके से इस डायरेक्शन में और नीचे वाला एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना था। मैंने नीचे वाले को कॉस थीटा कह देना था और ये जो परपेंडिकुलर है इसे साइन थीटा कह देना था। लेकिन इस डायरेक्शन में हमारा केस थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है क्योंकि बी हमारे तो नीचे, हमें तो बी को रिजॉल्व करना है, ये तो हमारा नॉर्मल वेक्टर है
होता क्या है कि बी को हम लोग किस तरीके से रिजोल्व करते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम लोग इस तरीके से रिजोल्व करते हैं कि यहाँ पर एक हमारा कंपोनेंट इस तरीके से आता है इस डायरेक्शन में, ये हमारा बेसिकली जो है एक कंपोनेंट आ जाता है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस तरीके से चले जाता है। और हमने रिजोल्व किसे किया, हम लोग बेसिकली जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी को रिजोल्व किया है टू कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये आ जाता है और एक कंपोनेंट ये आ जाता है। ये वाला कंपोनेंट बेसिकली हमारा बी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट चूंकि इस तरफ थीटा के साथ है तो हम इसे क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास कोस थीटा के इक्वल है। और ये वाला जो है बी पैरेलल, जिसे बेसिकली हम लोग कहना चाहिए था कि ये कोस थीटा है, उसे हम कोस थीटा नहीं कहते, उसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास साइन थीटा है। क्योंकि जैसे ही आप इसको सीधा करके देखेंगे ना कि अगर ये आपके पास बी हो और ये आपके पास कोई एक एंगल इस तरीके से आ रहा हो तो यहाँ पर ही आपके पास एंगल बन रहा है और ये जो चीज़ है ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाती है और ये पैरेलल कंपोनेंट आ जाती है। जब इस तरीके से चीज़ें रिवर्स हो जाएं तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे हम लोग कॉस थीटा के इक्वल कर लेते हैं और जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट है उसे हम लोग साइन थीटा के इक्वल कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वेक्टर के रेजोल्यूशन के तरीके हैं कि किस तरीके से हम किस वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। आते तो हमेशा दो ही हमारे पास रेजोल्यूशन के कंपोनेंट है, एक बी कॉस थीटा आ जाता है और एक बी साइन थीटा आ जाता है। लेकिन जब केसेस थोड़े से रिवर्स हो जाएं कि बी के डायरेक्शन ज़्यादा थोड़ी सी पैरेलल आ जाए तो उस तरह मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंपोनेंट है जिसे आप रिजोल्व करने जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पड़ा है और उसे आपने किस किस कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने जो बी को रिजोल्व किया है, एक तो हम लोगों ने नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में रिजोल्व कर दिया और दूसरा बिल्कुल उससे परपेंडिकुलर रिजोल्व कर दिया। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था वो यहाँ पे जो है जिसे हम लोगों ने कॉस थीटा का नाम दे दिया और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसे हम लोगों ने साइन थीटा का नाम दे दिया। अब ये जो बिल्कुल पैरेलल कंपोनेंट है ये बेसिकली इसकी साइड के अलोंग पैरेलल आ जाता है और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये बिल्कुल इसकी साइड के जो है परपेंडिकुलर आ जाता है और बी जो है बेसिकली दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाते हैं। इस चीज़ को भी अभी आप आगे मज़ीद समझेंगे जब हम लोग इसकी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने क्यों जो है बी परपेंडिकुलर को कॉस थीटा का और बी पैरेलल को साइन थीटा का। अब हमारे क्या पास क्या है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बी डॉट ए के इक्वल है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि ई डॉट ए के इक्वल है, क्योंकि क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ए के अलोंग जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली बी नहीं लेते बल्कि बी के वो कंपोनेंट्स लेते हैं जिन्हें हम लोगों ने जिसमें बी को हमने रिजोल्व किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बी का वो कंपोनेंट ले लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि बी का परपेंडिकुलर आ जाता है और साथ ही हम लोग जो है अपने सर्फेस एरिया को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बी आ जाता है जो कि इस सर्फेस के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दे देता है। अब यहाँ पे हमारे पास बी परपेंडिकुलर था, बी परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया, हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा के इक्वल आया। चूंकि मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो बी कॉस थीटा इंटू ए, तो ये हमारे पास ए बी कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। अब हमें जब भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स बताना हो किसी भी सरफेस का तो हम हमेशा ए बी कॉस थीटा ही यूज़ करते हैं, हम साइन थीटा इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है कि बेसिकली हम क्या चीज़ देख रहे थे, हम अपने सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर है उसका और मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि उसके अंदर से पास कर रही है उसके दरमियान एंगल जो बन रहा है उसको कंसीडर कर रहे थे ताकि हमारे पास कोई एक फार्मूला आ जाए। अब ये वाली जो साइड थी ना, ये वाली साइड हमारे पास ये 90 का एंगल देती है और ये वाली जो साइड है ये जो 90 का एंगल देती है, ये वाली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बी है इसके बारे में हमें जो है हमें इस चीज़ का रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, हमें जो सरफेस के ऊपर मौजूद नॉर्मल वैक्टर है उसके साथ और बी के साथ रिलेशन चाहिए। ये भी बेशक नॉर्मल वैक्टर है लेकिन ये नॉर्मल वैक्टर की डायरेक्शन है जिसकी हेड के साथ जाके जो है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आया है। ये 90 वाला हमें रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि हमें वो वाला एंगल रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद है जिसके साथ हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को रिजोल्व किया। तो हम बेसिकली इस वाले एंगल को लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे जो कंपोनेंट आया नॉर्मल वेक्टर के साथ वो हमारे पास बी परपेंडिकुलर कॉस थीटा के इक्वल आ गया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को यूज़ करते हैं बल्कि इसके पैरेलल कंपोनेंट को यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास जब भी कोई सरफेस आए ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से जा रही हों तो हम अगर इसके पास जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पास जो है सरफेस ला के इसके सामने खड़े कर दें, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट डायरेक्शन में बात की थी इस केस में, तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर है एन ए, यहीं से खाली एन ही लिख लें, तो वो इस सामने के डायरेक्शन में है। जैसे ही जो सामने के डायरेक्शन में है तो बी
और नॉर्मल वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वो इस टाइम जो है वो ज़ीरो है, तो कॉस ज़ीरो जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि 90 होती है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम हो जाता है इस केस में। और जब इस केस की बात आती है तो यहाँ पे जो है हमारे पास पहले इस केस में तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है ना, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो जो है वो हमारे पास 90 नहीं बल्कि 1 देता है वैल्यू, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जहाँ पे हमारे पास एंगल जो है थीटा 90 आ जाए वहाँ पे कॉस 90 जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू देता है जो कि ज़ीरो होती है। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में जब आप अपने सर्फेस को, अगर आपको ये मालूम करना हो कि आपने किसी कोई ऐसा सर्किट है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, आपको उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ही जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए तो आपको उसके थ्योरी मालूम होनी चाहिए कि आपने उस सर्फेस को किस तरीके से उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के दरमियान रखना है। तो अगर आप उस सर्फेस को इस तरीके से रखते हैं कि वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो सर्फेस तो बेशक परपेंडिकुलर है लेकिन उसके नॉर्मल वेक्टर को आपने देखना है ना, नॉर्मल वेक्टर का उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो उस वक्त नॉर्मल जो है पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं, तो पैरेलल के कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाती है। इस वजह से इस केस में जैसे ही हम अपने सर्फेस को परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर कंडीशन में मैक्सिमम देता है। परपेंडिकुलर कंडीशन में बेसिकली तो आप कह सकते हैं कि सरफेस का एंगल 90 है, लेकिन हम सरफेस के एंगल को नहीं ना देखते, हम इसके नॉर्मल वेक्टर के एंगल को देखते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बी ए का वो बी ए कोस हमारे पास जीरो आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है जिसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि हमारी बी की इंटेंसिटी पे भी हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि उस सर्फेस का एरिया कितना है और किस तरीके से उसका जो एरिया है वो कहाँ पे किस डायरेक्शन में है, बी के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो एप्साई बी आ जाता है, ये जो हमारे पास फाई है, फाई बी जो इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं, ये बी डॉट ए के इक्वल है। बी चूँकि हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन था जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो कि टेस्ला के इक्वल था, और जो मीटर ये हमारे पास एरिया है ये बेसिकली सरफेस होती है, तो सरफेस का एरिया ना हमारे पास, और फॉर एग्जांपल कि आपने स्केयर यूज़ किया था तो उसका जो एरिया है वो तो मीटर स्केयर में हो गया ना, तो यहाँ पे आपके पास मीटर स्केयर आ गया, तो इसका जो यूनिट है आपके पास वो आ गया टेस्ला मीटर स्केयर। तो टेस्ला मीटर स्केयर को आप किस तरह से बता सकते हैं कि टेस्ला मीटर स्केयर जो है वो वेबर के इक्वल होता है, तो बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट है वो वेबर है। अब अगर आप इसे इस तरीके से करें कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स बी है वो किसके इक्वल आया था, बी डॉट ए के इक्वल। अब अगर आपने इस तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन को यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने बात की थी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बी को कोई टर्म देनी हो, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर से करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई थी, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने जैसे करंट के अंदर से कंडक्टर के अंदर से करंट के फ्लो होने की वजह से एक टर्म का नाम दिया था जिसे हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन कहा था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सरफेस के अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी को भी यहाँ पर कोई ना कोई टर्म देनी चाहिए ना, कोई ना कोई नाम देना चाहिए जिस तरीके से हम इसे बुला सकें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में हम ये जो बी है इसे मैग्नेटिक जो है फ्लक्स डेंसिटी का नाम दे देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है, जिसे कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डेल्टा और ये जो है हमारे पास फाई बी डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल आ जाती है। तो ये जो बी है इस केस में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले हों तो तब हम बी को मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं कि ये चीज़ उस सरफेस की, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है उसकी फ्लक्स डेंसिटी आ जाती है। और इस डेंसिटी को हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि हम लोगों ने अभी जो यूनिट निकाला है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हमारे पास वेबर के इक्वल आया, तो वेबर डिवाइडेड बाय हमारे पास एरिया जो है यहाँ पे हमें फ्लक्स डेंसिटी का एक नया यूनिट दे देता है, जिस यूनिट को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वेयर के इक्वल है। तो ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल आ जाता है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो वेबर डिवाइडेड बाय मीटर यानी कि मीटर स्क्वेयर के इक्वल है। तो इसे आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेयर के इक्वल आ गया। तो यानी कि हर चीज़ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक उसकी टर्म है, एक उसका नाम है।
अगर उस कंडक्टर के अंदर से आपके पास कोई भी कंडक्टर है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और उसके अंदर से उस कंडक्टर के अंदर से जो है करंट के फ्लो होने की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं किसी सर्फेस के अंदर से और उस सर्फेस में आप क्या देखना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो जाए तो वहाँ पर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बी नहीं कहते, वहाँ पर आप इसे कहते हैं कि यह आपकी फ्लक्स डेंसिटी है। तो हर जगह पर जो है आपने हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट नाम डिफरेंट टर्म्स रखे होते हैं। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला की है और वो ऐसे सरफेस में प्रोड्यूस की जा रही है, ऐसे सरफेस से पास की जा रही है जो कि बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर पड़ी है और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वेयर है, तो उस वक्त उस सरफेस के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 1 वेबर के इक्वल प्रोड्यूस होगा। 1 वेबर क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 1 ही टेस्ला यूज़ किया गया है और 1 ही मीटर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से 1 टेस्ला जो है 1 वेबर जो है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में अपने बी को रखते हैं, जिस डायरेक्शन में से सर्फेस के अंदर से बी पास हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो है बी को रिजॉल्व करना होता है। अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो बी को हम लोग इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे होते हैं और बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स के सिचुएशन में क्या होता है कि वो कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है और जो पैरेलल होता है वो साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि हम लोग जो है इसको डिफरेंट एंगल पर रख के चेक करते हैं, इसको एंगल पर रख के इसलिए चेक किया था, इस सर्फेस को थोड़ा सा टिल्ट इसलिए किया था क्योंकि 2 फेसेस के बारे में तो हमें पता है कि या तो पैरेलल हो सकती है या परपेंडिकुलर, लेकिन तीसरे केस में रखकर हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास चीज़ें जो हैं कुछ एंगल पर वैल्यू देती हैं। इसलिए एंगल पर वैल्यू देने के लिए और जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने जो है बी को इसके 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। ज़्यादातर बी को जो है इसके नॉर्मल वेक्टर के लिहाज से, जो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है उसे कंसिडर करते हुए, बी के डायरेक्शन को जो है समझते हुए, उसको देखते हुए, गौर करते हुए उसको जो है कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया जाता है। बेसिकली बी का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग नॉर्मल वेक्टर के साथ निकालते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट इमेज देखा कि बी जो है नॉर्मल वेक्टर के साथ अगर तो पैरेलल है, और पैरेलल किस कंडीशन में होता है, जब हम अपने सरफेस को जो है 90 के एंगल पर रखते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड के साथ, तो उस डायरेक्शन में उस सूरत में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने सर्फेस को नीचे लिटा देते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है अपने सर्फेस को पैरेलल कर देते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड के साथ, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर अपर डायरेक्शन में आ जाता है जो कि बी के साथ 90 पे हो जाता है, और उस वक्त आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं कि आप बता सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कब मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा कर सकते हैं, कब उसे कम कर सकते हैं, कब उसे बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं और कब उसकी थोड़ी सी मॉडरेट वैल्यू हासिल करने के लिए अपनी सर्फेस को थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है आप डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो है आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं।